गाइस, सो 23rd ऑफ जून। सो आज का वीडियो बेसिकली आरटीआई आंसर पे है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने मेरा देखा है जो मैंने आरटीआई अप्लाई की थी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो थी एयरपोर्ट के सामने से जो हाईवे जाने वाला है, जो आगरा हाईवे को टच होगा, उसके रिगार्डिंग थी। सो उसका रिप्लाई आ गया था, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। विद इन 1 मंथ उसका रिप्लाई आ जाता है। सो उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको, और जो मेरी पेंडिंग में जो आरटीआई चल रही हैं अभी, मे बी 20 डेज पहले जो मैंने अप्लाई की थी, तो 2 आरटीआई मैंने अप्लाई कर रखी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। रिगार्डिंग ये है कि जो इलेक्शन के टाइम में आपको स्लिप दी जाती है, पर्ची दी जाती है, लेकिन ओरिजिनल आईडी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उसके रिगार्डिंग मैंने लिखी है कि ओरिजिनल आईडी क्यों नहीं वैलिड है इलेक्शन के टाइम, पर्ची क्यों दी जाती है वोट डालने के टाइम। सो उससे रिलेटेड मैंने आरटीआई डाल रखी है। ये अपील है, आप भी आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली सिंपल प्रोसीजर है आरटीआई अप्लाई का, मैंने दिखाया भी आपको प्रीवियस वीडियोस में। सो प्रॉब्लम यहाँ जाती है, हम बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं पार्क, देखते हैं सड़कें, देखते हैं बिल्डिंग्स, देखते हैं चीज़ में हमें कोई कमी नज़र आती है तो हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन हम पूछते नहीं है किसी से कि ऐसा है तो क्यों है। तो पूछने की हमें आदत नहीं है, हमें बुराइयां करने की बेसिकली आदत है हर चीज़ की, जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के, कि ये कंप्लीट नहीं है, रोड टूटा हुआ है, रोड ख़राब है, तो हम ये पूछते नहीं है कि ये क्यों ख़राब है, क्यों टूटा हुआ, अब तक सही क्यों नहीं हुआ। तो आरटीआई इसलिए निकाली गई है कि पूछे लोग, सवाल पूछें। एग्ज़ाम्पल दूँ आपको एक बहुत ही अच्छा एक केस का, जो आपने ईपी के सामने एंटरटेनमेंट पैराडाइज के सामने एक बिल्डिंग देखी होगी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है उसका, बाहर से स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है पूरा। 4 बिल्डिंग्स हैं साइड बाय साइड, सो करीब 7-8 फ्लोर्स की हैं। सो जब वो कंप्लीट हो गई, एयरपोर्ट के एकदम टच में है, एयरपोर्ट के वॉल के एकदम टच में है। सो अथॉरिटी ने, जयपुर की ने केस किया कि ये इलीगल है, आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी है या एयरपोर्ट के दीवार के पास, फ्लाइट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, अभी भी हो रही है और फ्यूचर में भी होगी। तो कोर्ट ने उसका, कोर्ट ने विद इन 1.5 मंथ उसका डिसीजन आया कि जब बिल्डिंगें बन रही थी तब आप कहाँ थे, तब आपने ये बिल्डिंगें नहीं देखी, जब कंप्लीट हो गई तभी आपको याद आया कि फ़्लाइट उड़ती है यहाँ से, मतलब फ़्लाइटों को घुमा के उड़ाओ उस बिल्डिंग के उधर से, सीधी नहीं जानी चाहिए, घुमा के उड़ा फ्लाइटों को। तो एक हाई कोर्ट का डिसीजन था। सो काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ ईजी है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई परेशान नहीं करता। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो सब प्रॉब्लम में ही आएंगे। ये दिखाता हूँ मैं क्या रिप्लाई आया उस आरटीआई का। ये आंसर नहीं है, ये कॉपीज हैं कि हमने इन डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड की गई है। सो मेन जो है वो ये है जो आया है जयपुर विकास प्राधिकरण से, JDA से, इसके अंडर ही आता है। सो मेन आंसर ये है, ये बाकी कॉपीज़ दी गई है मुझे कि हमने इन ऑफिसर को सेंड किया आपके आरटीआई, ये देखिए। सो मेन आंसर इसी के अंदर है, आइए इसको ओपन करते हैं। सो ये देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण मनीषा दो। सो ये काफ़ी पहले आई थी, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से मैं इसका रिप्लाई दे नहीं पाया कि उन्होंने क्या आंसर दिया है। सो ये मेरा क्वेश्चन था, जो एयरपोर्ट रोड के सामने से हाईवे कनेक्ट होना है 7 नंबर से, जो सीधा जाएगा आगरा हाईवे। सो काफ़ी पुराना मामला है, 8 साल पुराना, तो उन्होंने इसका आंसर दिया है। तरीके से देते हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आपको निपटाते हैं। सो देखिए कितनी कॉपीज़ इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जयपुर में भेजी हैं, जिन जिन के अंडर थ्रू आता है ये काम। सो तब फाइनल आंसर फिर जिसके अंडर आता है उसका रिप्लाई आता है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है आरटीआई की, मैं तो कहता हूँ सबको अप्लाई करना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं मंथ में 2 नहीं तो कम से कम 1 आरटीआई अप्लाई तो करना ही चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आप देखें उसके अगेंस्ट। 1-2 छोटी और बातें बता दूं मैं आपको, आरबीआई ने अभी अनाउंस किया है केवाईसी नॉर्म्स का, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, सो सब में केवाईसी करना पड़ता है, जो ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं या रिचार्ज की वेब्स एप्स हैं, उनके केवाईसी इंपॉर्टेंट कर दिया है। सो
उसमें आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें खाली आप अप्लाई करें ऑनलाइन, उसी में जाके जो भी ऐप है, पेटीएम या फ्रीचार्ज या फ़ोनपे ऐप जो भी है उसमें आप जाइए और वहीं से अप्लाई कीजिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिए वहीं से। सो उसके बाद वो आपसे कॉल करके आपका कंफर्मेशन लेंगे कि किस टाइम हम आ सकते हैं आपके घर। सो जब वो पर्सन जिसको भेजेंगे उसको आप अपना आधार नंबर दिखा के आप थम लगा के उसमें, सो आपका KYC डन हो जाएगा। सो पेटीएम में ये है, 200 रुपीज़ कैशबैक भी मिलेगा पेटीएम के अंदर KYC कराने पे। तो कहीं जाना नहीं है, खाली उसी पोर्टल में KYC का ओके कर देना अपना आधार नंबर लिख के, देन वो खुद ही अपॉइंटमेंट लेंगे आपसे, आके आपका आधार नंबर लेके आपका थम लगवा के, देन 200 रुपये कैशबैक आ जाएगा आपके पेटीएम अकाउंट में। इम्पोर्टेंट है, फ़र्क उससे कुछ नहीं अगर नहीं करवाते तो, बस ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं हम पेटीएम के थ्रू या बाकी किसी ऐप के थ्रू, वो नहीं होगा इसके बिना। सो आपका भी होना चाहिए और जिसके कर रहे हैं उसका भी होना चाहिए। सब्सक्राइब करें माई फिल्म्स को, रेड आइकन दबा के एंड उसके साइड में एक बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फिल्म्स।